kecil lagi bongkar apa tu pas dinyan बंदा अभी हम लोग टेक्निक की मूर्ति रिवर क्रॉस करते हुए अभी हम जाएंगे दूसरी लोकेशन पे, तो अभी हमारे भाई बताने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन क्या होने वाला है। आई होप कि यहाँ तक आपने वीडियो एंजॉय किए होंगे, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है आपको तो ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल, शेयर एंड कॉमेंट्स। वो किचड़ देखे थे जंगल के लिए वो हूँ ना पालो 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 ऐसे लगे ऐसे लगे वही वो मंसे 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 ऐसे लगे ऐसे मंसे लगे दादा गुड मॉर्निंग हम तो दादा बिंदु जाक्षी बिंदु जाक्षी बिंदु ऐ छोटा छोटा आखरो हाँ दादा हो जाए हो जाए तो भाई हमारा नेक्स्ट लोकेशन क्या होने वाला है? अभी हम लोग जाएंगे चापड़ावाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो चापड़ावाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस करके हम लोग जाएंगे एकदम झालंग व्यू पॉइंट। तो यहाँ से चापड़ावाड़ी जो है यहाँ कितना दूर पड़ेगा? मतलब यहाँ से आप लोग मूर्ति से आप लोग पाँच से छः किलोमीटर ऐसे ही चापड़ावाड़ी आएगा। हाँ। तो चापड़ावाड़ी क्रॉस करके वो बहुत डेंस फॉरेस्ट है। अच्छा, वो फॉरेस्ट क्रॉस करके हम लोग चले जाएंगे झालंग। ठीक है ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं तो वहाँ पे बेसिकली क्या क्या व्हाट आर द थिंग्स आए हो? वो एक्चुअली पहाड़ का सीनिक ब्यूटी जैसा रहता है पहाड़ में। हाँ। आप लोग जैसा दिखते हैं आपको टीवी में यूट्यूब में जैसे दिखते हैं पहाड़, ठीक वैसा ही बहुत अच्छा। वो जो जहाँ से झालंग जो है, झालंग एक पॉइंट है, वहाँ से नीचे आपको जलढाका रिवर दिख जाएगा और जलढाका रिवर का उस पार ही आपको भूटान दिख जाएगा। अच्छा, तो लगभग हम लोग भूटान के जो एकदम करीब रहेंगे। अच्छा, करीब पहुँचने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, चलिए हमारे साथ आप चलते हैं एक अच्छा लोकेशन में जहाँ पे आप लोग दिखाने की कोशिश करेंगे भूटान इतना नज़दीक है और वहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या कौन कौन से चीज़ दिखा सकते हैं, आपको सब चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। चलो चलिए चलिए चलिए, आप चलिए। अभी हम लोग चापड़ावाड़ी एंटर करने जा रहे हैं। अरे वो लोग वो बुला रहे हैं। अच्छा, ये चापड़ावाड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप लोग एंटर करने वाले हैं, राइट? ऑलरेडी एंटर कर लिया। अच्छा, यहाँ से वैसा ही 8-10 किलोमीटर जैसा चापड़ावाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ेगा, फिर उसके बाद आएगा सिपचू फॉरेस्ट, उसको क्रॉस करके हम झालंग में घुस जाएंगे। अच्छा, तो अभी चापड़ावाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख रहे हैं। ये देखिए नेचुरल फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं यहाँ पे, और देखभाल करने के लिए काफ़ी पुलिसिंग सिस्टम है और ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पेड़ आपको दिख रहा होगा, ये जहाँ पे प्लास्टिक में लिपटा हुआ है, ये सारे रबड़ का पेड़ है, यहाँ से जो इनकी जो लिक्विड निकाली जाती है। यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट भी है, शायद वो काट के लेके जाते होंगे निकालने के लिए, तो इसको यहाँ पे निकालने के बाद ये फैक्ट्री में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लिया जाता है। देख सकते हैं चारों तरफ बहुत है। ये जंगल में चारों तरफ यही पेड़ है दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी दूर तक है। नहीं, यहाँ पर वो रबर का पेड़ है, कॉफी का पेड़ है, और आंवला जिसको बोलते हैं ना आंवला उसका भी पेड़ है। अच्छा, तो वो सब सामने है, मैं दिखा रहा हूँ।
अब हम लोग धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हुए वेदर आज बहुत अच्छा है पहाड़ का। अच्छा मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है राइट, इतना पहले आप ऐसे लग रहा था नीचे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है अभी, लेकिन इतना है ही नहीं। आगे सामने आमला का पेड़ दिखेगा आपको, रास्ते के दो साइड में है। अच्छा आमलो की गाछ है, ये रास्ता दो पाशे गाछ गुलो आमलो की गाछ है, ये आमलो की होया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये जो बड़ो बड़ो पत्ता गुलो देखो, हां एगुलो होच्छे कॉफी। अच्छा ये सर कॉफी का पेड़ है, अच्छा ये वाला जो चौड़ा चौड़ा पत्ती जो है, अच्छा ये बिल्कुल खेती किया गया है यहाँ पे, बिल्कुल प्लान तरीके से लगाया गया है। अच्छा ये चारों तरफ है, लेफ्ट साइड में आपका रबर प्रोसेसिंग। अच्छा ये छोटा वाला यूनिट है, वो टॉवल पे जैसा टंगा हुआ है वो रबर है। अच्छा वो रबर का फैक्ट्री है यहाँ पे, चलो थोड़ा भी देख लेना चाहिए कैसे ये बनाते हैं। अभी तो वो परमिशन नहीं देगा, ये तो गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट का थोड़ी थोड़ा गवर्नमेंट का ही है। ये मौका नहीं है अभी, कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तुम्हारा पता ही चला दस दिन में तो कल आइए ना, आप लोगों ने कभी ट्राई करी है जाने की? हाँ हाँ बहुत बार। तो क्या बोलते कि नहीं अलाउ नहीं है वो गवर्नमेंट का, जितना आप देख सकते हैं ना पूरा जंगल बना हुआ है। अभी से पहाड़ स्टार्ट हो रहा है, अच्छा यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी, यहाँ से आपको पहाड़ का व्यू मिलता रहेगा। अभी थोड़ा सा पुल हमने पार कर ली, आप बेटा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि हम अभी ये पूरा चढ़ाई है, अब धीरे धीरे हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं ना झालो, झालो में अभी भी 15 मिनट जैसा लगेगा, 15 मिनट पहुँचने में। झालंग व्यू पॉइंट में एक्चुअली पहुंचने में 15-20 मिनट लगेगा। ডান্ডিকার পাহাড় গুলো দেখছেন না, ওটাই ভুটান। ওই যে ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে, ওই যে ফ্ল্যাগ গুলো দেখা যাচ্ছে, সব ওই সাইড ভুটান। মাঝখান দিয়ে জলঢাকা নদী গেছে, জলঢাকা নদী আমাদের এই সাইডটাকে মানে ভুটান আর ইন্ডিয়াতে ভাগ করেছে আর কি, ডিভাইড করেছে। अगर कोई चाहे वहाँ पे कनेक्शन है कि जा सकते नहीं है? नहीं नहीं यहाँ से नहीं जा सकते है, आपको अगर भूटान जाना होगा तो आपको जाएगा फुलसिलिंग से होके जाना होगा, वहाँ से पास बना के भूटान के लिए, फिर आपको भूटान में घुसने देंगे। वैसे आपको इस साइड से घुसने नहीं देंगे। अच्छा सिर्फ आपको बॉर्डर ही बॉर्डर नजर आएगा। हाँ हाँ हाँ, पहले देता था बिंदु से, बिंदु बैरेज से, लेकिन बैरेज के ऊपर हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटता रहता है, तो इसलिए बंद कर दिया है अभी टूरिस्ट का बैरेज के ऊपर जाना। अच्छा एक बच्चा गिर गया था बैरेज से ऊपर से।
यहाँ पे ये किस चीज़ की प्लांटेशन है यहाँ पे? ये रबर का है। अच्छा, ये रबर का वो बन रहा है? रबर का नर्सरी है। अच्छा, नर्सरी है रबर। जैसे बड़ा हो जाएगा उसका प्लांटेशन कर लिया जाएगा। अच्छा, ये कॉफी का पेड़ है। अच्छा, अभी हम लोग झालंग जो व्यू पॉइंट है वहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है और सारे लोग उधर व्यू के लिए जा रहे हैं। काफ़ी लोग अपना सेल्फी लेते हुए फ़ोटो खींचते हुए जहाँ पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस चीज़ को यादगार पल बनाने के लिए अपना जो है फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ पर। अब मैं ये जो आप देख रहे हैं ये जगह पर सारी गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं और आप थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये जो रोड है यहाँ से हम लोग आए जो जहाँ से हम लोग चलना शुरू किए थे करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर के आसपास ये चीज़ पड़ती है यहाँ पे लोकेशन। और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको जो बेसिकली जो पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने होते हैं इसके लिए सबसे ज़्यादा आप लोगों को आना पड़ेगा। प्राइवेट व्हीकल इज़ मस्ट, या तो 4x4 होगा तो और अच्छी बात है क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ाई के लिए बहुत सही रहता है। तो जीप वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे, आपको किराए पे मिल जाता है पूरी पैकेज के लिए भी। बहुत लोकल टूरिस्ट पॉइंट भी हैं जहाँ से आप लोग इसके लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और जो टोटल 5 से 6 व्यू पॉइंट्स है वो देखने के लिए। और मैं आपको और नज़दीक लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आई थिंक दिस इज़ टू मच डेंजरस है। अभी तो नीचे पूरा खाई है, है? आप देख सकते कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है। अच्छा, ये वो कौन सी जगह है? वो भूटान है क्या? एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, हाँ ये एक्चुअली नीचे जो आपको दिख रहा है वो जो नदी, हाँ नदी के साइड में जितना घर दिख रहा है वो है झालों का, वो झालों का वो पॉपुलरिटी है। और जो ये सामने से आपको नदी दिख रहा है वो नदी है जलढका रिवर। जलढका रिवर, जलढका रिवर का वो साइड में आपको जो पहाड़ सामने दिख रहा है वो है भूटान। अच्छा, वो जो मकान दिख रहा है ना साथ में भूटान ही एरिया है, सब भूटान है। अच्छा, तो लोग यहाँ से पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करके नहीं पहुँच सकते क्या? नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर आर्मी है ना, भूटान आर्मी है तो वहाँ पर। अच्छा, उधर बॉर्डर भी है? हाँ बॉर्डर है ना, ये तो बॉर्डर ही है, ये नदी बॉर्डर है यहाँ का। ओके, और इधर में भी वो BSF का जवान रहता है यहाँ पर नीचे, तो क्रॉस कोई भी नदी में नहीं उतर सकते, नदी में जा सकते हैं लेकिन नदी क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, तो उनके नज़र पे आ जाओगे तो वो लोग मना करेंगे है ना? अच्छा, कितना ब्यूटीफुल लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा व्यू है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग कभी आएंगे, मैं बेसिकली आप लोग बोलना भी चाहूंगा कि कभी आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर आना। नीचे एक पावर स्टेशन भी दिख रहा है ना, वो पावर स्टेशन है ना, तो यहाँ पे लोग जाते कैसे? हम लोग पहाड़ के ऊपर जो चढ़ाई करके आए उसके नीचे से जाते हैं क्या लोग? रास्ता है इधर। अच्छा, नीचे जाने के रास्ता भी है। अच्छा, तो वहाँ पे मोबाइल वगैरह सिग्नल वगैरह आता है? टावर है उधर, ऊपर भी टावर है। अच्छा, तो बेसिकली कौन सा सर्विस यहाँ पे प्रोवाइडर का जो सर्विस ज़्यादा अच्छा था? एयरटेल ही बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो ये लातूर से 15-20 किलोमीटर के अंदर ही होगा ना? हाँ, जहाँ से हम लोग आए हैं लातूर से? नहीं, 30 से 40 किलोमीटर। अच्छा, हम लोग पहले जो आए हैं वो जो मैत्री नदी ना, कौन सा वाला था? मूर्ति नदी। मूर्ति नदी से 20 किलोमीटर और है। अच्छा, तो टोटल हो गया, सॉरी प्लीज व्यूअर्स, जो है 40 किलोमीटर के आसपास जो है लाताकोड़ी से हैं। 20 किलोमीटर हम मैत्री नदी पार कर चुके थे, उसके बाद अगला 20 किलोमीटर तक यहाँ ये डेस्टिनेशन पड़ेगा। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप लोग जब आएंगे लाताकोड़ी से ही आपको पैकेज टूर बना के आना चाहिए। अच्छा, ये जो रोड आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल खाई है,
तो ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यहाँ के लिए तो यही व्यू है, बस यही देखने के लिए लोग आते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है। और आपको दूर में जो दिखाई दे रहा है ना, कुछ मकान वगैरह पहाड़ को बना, वो पूरा भूटान है। और ये नदी के इस साइड में है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं फेंसिंग भी किया हुआ है कुछ एरिया में, ये BSF है वहाँ पे, और उसके तरफ जो है वो भूटान स्टेट पुलिस है, वहाँ पे उनकी जो बॉर्डर पुलिस है वो पुलिसिंग करती हुई है। लीकर कोटा, लीकर 20 किलो, 20 खाई थी।